ये दोस्तों हेलो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ नया चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास कमेंट आता है कि जो है मुझे कौन सा जो है ऑडियो मॉड्यूल लेना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को बताऊँगा कि कौन सा आपको ऑडियो मॉड्यूल लेना चाहिए, क्योंकि ऑडियो मॉड्यूल जो होता है जैसे एक स्पीकर भी लगा के चला सकते हैं। तो दोस्तों अब ये है दोस्तों, ये जो है यूएसबी मॉड्यूल है, इसमें क्या जो है इन दोनों में कौन सा हम चला सकते हैं और कौन सा स्पीकर पे नहीं चला सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे ऑडियो मॉड्यूल का। तो दोस्तों इसको आप लोग देख सकते हैं, इसमें देखिए दोस्तों एक आईसी लगी हुई है, जो आप लोग देख सकते हैं इसमें एक आईसी लगी हुई है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं इसके जैसा यहाँ पे आप लोग देखिए ध्यान से, इसमें यहाँ पे एक आईसी लगी है और यहाँ पे एक आईसी लगी है। तो दोस्तों ये इनपुट की आईसी है, इसमें जो है एम्पलीफायर नहीं होता है, जैसे कि ये स्पीकर इसमें नहीं चलेगा और इसमें स्पीकर चला सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आप लोग को प्रॉपर तरीके से चेक करके बताऊँगा, कि कई लोग ऐसा हैं कि जो इसमें वीडियो बना रहे हैं ऑडियो मॉड्यूल में, इसमें साउंड भी चलाकर दिखाते हैं, और ये गलत है दोस्तों। और ये वाला जो है ये भी देखिए दोस्तों, दोनों आप लोग देख सकते हैं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ का फ़र्क होगा, जो कि आप लोग प्रॉपर पढ़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये MP3, FM, USB, ये म्यूजिक प्लेयर और इको माइक, और ये मोड दिया गया है ऑक्स FM, यहाँ ब्लूटूथ का सिंबल दिया गया है। और आप लोग इसमें देखिए दोस्तों MP3 जो है FM USB म्यूजिक प्लेयर म्यूजिक स्पीकर लिखा हुआ है, और ऐसा चेंजिंग है, और यहाँ पे एम्पलीफायर लिखा हुआ है, इसमें एम्पलीफायर नहीं लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कहीं भी एम्पलीफायर नहीं लिखा हुआ है, इसमें एम्पलीफायर लिखा हुआ है। तो दोस्तों आप कभी भी कोई भी जो है USB किट खरीदते हैं, अगर उसमें एम्पलीफायर लिखा हुआ है तो दोस्तों उसमें एम्पलीफायर का मतलब होता है स्पीकर चलेगा, और इसमें देखिए एम्पलीफायर नहीं लिखा है, तो इसका मतलब इसमें एम्पलीफायर हमको सर्किट अटैच करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ, जो सर्किट होती है जो इस टाइप की सर्किट होती है, ये एम्पलीफायर सर्किट है, इसको अटैच करना पड़ेगा, इसमें हमें कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को ज़रा सा आप लोगों को ध्यान देना है। और अब हम इसमें हम चला कर दिखाते हैं इसमें साउंड चलता है कि नहीं चलता है, और इसमें चला कर दिखाएंगे साउंड चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि दोस्तों जब तक आप लोगों को क्लियर नहीं पता चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। तो दोस्तों इसको हमें पहले स्पीकर लगाना है, देखिए दोस्तों यहाँ पर स्पीकर लगाना है, और हमको ये 5 वोल्ट का कनेक्शन मैं निकाल रखा हूँ, और इसको लगा देना है। अब आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको लगा दिया है, और आवाज़ मैं थोड़ा सा फुल कर देता हूँ इसमें कि आप लोगों को पता चले। अब दोस्तों इसको हम USB लगाते हैं, ये मेमोरी कार्ड लगाते हैं इसमें, देखिए दोस्तों मेमोरी कार्ड लगा दिया, और ये देखिए दोस्तों SD कार्ड जो है ले लिया, और देखिए दोस्तों यहाँ चल भी रहा है, और आप लोग देख सकते हैं प्रॉपर देख सकते हैं ये चल रहा है, बट इसमें जो है यहाँ से थोड़ा सा हिल रहा है, बट इसमें साउंड नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि कनेक्शन गलत लगा है, कनेक्शन सही लगा है दोस्तों, बट इसमें जो है साउंड नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसमें सिर्फ क्या है कि इसमें हमें एम्पलीफायर ये सर्किट को अटैच करना पड़ता है, और इसमें देखिए एम्पलीफायर इनबिल्ट है जो लिखा हुआ है इसमें। अब हम इसको एक बार चला कर देखते हैं, इसमें हमें इसमें देखना होगा 5 वोल्ट किस तरफ का है। देखिए दोस्तों इस तरीके से लगेगा, इसमें इस तरीके से लगेगा, और इसको हम लगाते हैं। देखिए दोस्तों हमारा ये ऑन हो गया, और इसमें हम लगा के देखते हैं स्पीकर, ये देखिए दोस्तों इसमें स्पीकर। अब इसका हम ये निकालते हैं, थोड़ा दोस्तों ये पावर ज़्यादा लेता है, इसीलिए हमें यहाँ पे 12 वोल्ट लगाना होगा, और हम इसमें 12 वोल्ट लगाते हैं।
इसमें हम 12 वोल्ट का कनेक्शन करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 12 वोल्ट का अब कनेक्शन कर दिया है, और दोबारा से हम लगाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें देखिए दोस्तों, और जब मैंने इसको चलाया था इसमें आपने कुछ आवाज़ नहीं सुना होगा, क्योंकि दोस्तों ये जो आईसी होती है हमारी, ये आईसी हमारी इनपुट के लिए होती है। हाँ ये है कि इतना साउंड आपको मिलेगा जो आप ईयरफोन लगाते हैं, इतना साउंड इसमें आपको मिलेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो इसके वजह से हल्की सी आपको पता चलेगा। बट ये है कि आप ज़्यादा नहीं सुन सकते हो, जैसे इन सब में आप चला रहे हैं, हम इसमें चला रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को ध्यान देना है, जिसमें एम्पलीफायर लिखा हो उसी को आपको लेना है, और जिसमें एम्पलीफायर नहीं हो तो उसको नहीं लेना है, क्योंकि उसमें ये देखना है आपको। दूसरा, मैंने पहला चीज़ तो आपको बता दिया, जिसमें एम्पलीफायर हो उसको लेना है। दूसरा चीज़ आपको कैसे पता करना है कि जो है इसमें भी कई ऐसे मॉड्यूल होते हैं जो ऐसे छोटी सी आईसी होगी, ऐसे ये देखिए दोस्तों, ऐसे चार टांग की आईसी होती है, आठ टांग की ऐसे लगी होती है। तो दोस्तों अगर इसमें आसपास कहीं लगी हो तो वो भी एम्पलीफायर होता है, बट वहाँ पे स्पीकर से लिखा होगा, यहाँ पे स्पीकर लिखा होगा, यहाँ पे जो है आर एल लेफ्ट राइट लिखा है, बट उसमें स्पीकर लिखा होगा। आप लोग ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्पीकर कोई नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसमें भी आप लोग को देखिए, यहाँ एल आर लिखा हुआ है, इसमें भी एल आर लिखा हुआ है। तो जो स्पीकर में होता है दोस्तों, ये वाली आईसी, ये इस टाइप की आईसी किसी किसी में लगी होती है, किसी में इस तरीके की आईसी लगी होती है स्पीकर की। तो दोस्तों सब अलग अलग तरीके से बनता है, इसलिए इन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना है जिसमें एम्पलीफायर लिखा हो। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, इस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।